बच्चों, आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे। शीर्षक है बाल गंगाधर तिलक। एक बार अध्यापक ने कक्षा में छात्रों को गणित के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए। कक्षा के सभी छात्र तल्लीन होकर अपना कार्य कर रहे थे। एक छात्र चुपचाप बैठा था। शिक्षक ने उससे पूछा, तुम गणित के प्रश्न क्यों हल नहीं कर रहे हो? छात्र ने कहा, मैंने प्रश्नों को हल कर लिया है। आश्चर्यचकित शिक्षक ने पूछा, कहाँ? छात्र मस्तिष्क में। शिक्षक, अच्छा तो उत्तर बताओ। बालक ने खड़े होकर शिक्षक द्वारा दिए गए सारे प्रश्नों को मौखिक रूप से ही हल कर दिया। अद्भुत प्रतिभा का धनी यह बाल गंगाधर तिलक था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईसा को महाराष्ट्र राज्य में कोंकण जिले के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर राव और माता का नाम पार्वती बाई था। इनका बचपन का नाम केशव था। छोटा होने के कारण घर में लोग इन्हें बाल कहकर पुकारते थे। बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। इनके पिताजी की शिक्षा में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान दिया। तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। विद्यालय जाने से पूर्व ही इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथ याद कर लिए थे। इनकी प्रतिभा से शिक्षक बहुत प्रभावित थे। गणित, इतिहास और संस्कृत इनके प्रिय विषय थे। गणित के कठिन से कठिन प्रश्न भी मौखिक रूप से हल कर लेते थे। किशोरावस्था के पूर्व ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनका विवाह सत्यभामा बाई से हुआ। विवाह में इन्होंने दहेज में कुछ नहीं लिया। सन 1877 ईसा में बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त कर ली। इसके बाद वकालत करने लगे। तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। इन्होंने यह भी अनुभव किया कि देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए शिक्षा के प्रसार के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग भी आवश्यक है। अतः इन्होंने केसरी तथा मराठा नाम के समाचार पत्र भी निकाले। इन समाचार पत्रों के माध्यम से ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश देते थे। पत्रों के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता के प्रति लोगों में नई चेतना जगाई। इनके लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे। इनके कार्यों और विचारों के कारण सब लोग इनका आदर करने लगे और इनके नाम के साथ लोकमान्य शब्द प्रचलित हो गया। तिलक ने विधवा विवाह, महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया। बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध किया तथा मजदूरों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। इन्होंने स्वदेशी की भी भावना का प्रचार किया। तिलक के स्वतंत्र एवं उग्र विचारों से रुष्ट होकर अंग्रेज सरकार इन्हें बार बार जेल में डालती रही। सन 1907 ईस्वी के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने सिंह गर्जना की, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर रहेंगे। ब्रिटिश सरकार ने इन पर सन 1908 में राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्ष की सजा देकर माडले म्यांमार जेल में डाल दिया। यह समाचार पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। इसके विरोध में मुंबई के बाज़ार तथा मिलें बंद हो गईं। जेल में इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की। पहली पुस्तक थी गीता रहस्य, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक से इनकी विद्वता और अध्ययनशीलता का परिचय मिलता है। अन्य 2 पुस्तकें थी ओरियन और आर्कटिक, होम इन वेदाज। ओरियन और आर्कटिक, होम इन वेदाज 6 वर्ष की सजा पूरी कर वे 1914 में 6 वर्ष की सजा पूरी कर वे 1914 में माडले जेल से बाहर आए। बाहर आकर वे फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान से जुट गए।
अपनी लगन और निष्ठा के बल पर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी। स्वतंत्रता संग्राम का यह चमकता नक्षत्र 1 अगस्त 1920 को सदा के लिए अस्त हो गया। लोकमान बाल गंगाधर तिलक के विचार देशभक्त और स्वतंत्रता प्रेम हमारे लिए सदा ही प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण शब्द अर्थ भी आप लोग देख लीजिए। तल्लीन, पूरी तरह लगा हुआ। प्रतिभा, योग्यता। रुष्ट, नाराज। कुरीति, बुरी प्रथा। निष्ठा, विश्वास या श्रद्धा। कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि वाला। जन्मसिद्ध, जन्म से प्राप्त। विद्वता, ज्ञान या धनशीलता। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। पुनः एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।